अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फौजल सज्जाद, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जाने मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और रिपोर्ट्स आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे उस बिल्ली के बारे में जो अपने बीमार बच्चे का इलाज करवाने उसे अस्पताल ले आई। जी हाँ, इस बिल्ली को शायद यकीन था कि डॉक्टर्स इसके बच्चे का इलाज कर देंगे। तुर्की के लोग इंसान दोस्ती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन जानवरों से लगाव के हवाले से भी उन्हें दुनिया में जाना जाता है। तुर्क कौम जो के जानवरों से खास लगाव रखती है और लावारिस जानवरों का ख्याल रखने में आलमी शोहरत की भी हामिल है। इसी तुर्क कौम का एक और अजीम वाकया सामने आ गया। इस्तांबुल के एक अस्पताल में दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब एक बिल्ली अपने बीमार बच्चे को मुँह में दबाए अस्पताल में दाखिल हुई। बिल्ली और उसके बच्चे की तस्वीर पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। जैसे ही डॉक्टर्स की नज़र बिल्ली और उसके बच्चे पर पड़ी, वो फौरी तौर पर मुतवज्जो हुए और डॉक्टर्स ने उन्हें घेरे में ले लिया। वहाँ मौजूद अमले ने फौरी तौर पर बिल्ली की मदद की, बिल्ली और उसके बच्चे का मुआयना किया और उन्हें दूध भी पेश किया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय का इजहार कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।